उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन भी शुरू कर चुकी हैं। इसी बीच जहां कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन में 29 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए नामों को आड़े हाथ लेते हुए बयान दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए यूपी चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो सूची जारी की है उसे देखकर पूरा उत्तर प्रदेश चौंक गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 से पहले खासतौर पर पश्चिम यूपी की जो स्थिति थी इसका ट्रेलर दिखाने का काम किया है। हम दंगाइयों का साथ अपराधियों का साथ नहीं छोड़ सकते, यह अखिलेश यादव जी का संदेश है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाइयों का राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम करना। डिप्टी सीएम ने सपा गठबंधन की पहली लिस्ट पर तंज करते हुए कहा कि पहली लिस्ट में बड़े बड़े अपराधियों का नाम है जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। इनको टिकट देकर अखिलेश यादव जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हैं? क्या कोरोना से पलायन के दिन को वापसी लाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के क्षेत्र के खिलाफ अभियान चलाएगी और जनता के बीच संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।